सच सच बताइएगा इस वीडियो पे आप क्यों क्लिक किए हैं। मेरे भाई इस वीडियो पे आप इसलिए क्लिक किए हैं ना कि आप बहुत सारा वीडियो देख देख के थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई भी अच्छे तरीके से फेस वाइट करने का और फेस स्मूथ करने का नहीं सिखाता है। लेकिन मेरे भाई इस वीडियो में आप सबको फेस वाइट एंड फेस स्मूथ सब कुछ ए टू जेड जानकारी दिया जाएगा इस वीडियो में और आप सभी को सिखाया जाएगा। तो मेरे भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ साथ नॉलेजफुल है मेरे भाई, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो मेरे भाई बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एंड मेरे भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए मेरे भाई बिना किसी बकवास किए इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, अपना ओरिजिनल फ़ोटो को ले लेना है। ओरिजिनल फ़ोटो को ले लेने के बाद इसको क्या कीजिएगा ना, तो डायरेक्ट ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर दीजिएगा। ओके, मतलब ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिएगा तीसरे नंबर पे तो लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा। ओके, लाइब्रेरी में आ जाने के बाद मेरे भाई इस वाले ब्रश को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस वाला ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद कट कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लाइब्रेरी के ऊपर आ जाना है। उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करके एक और लाइब्रेरी बना लेना है मेरे भाई, सॉरी। बना लेने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेयर के ऊपर क्लिक करना है। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ होगा नॉर्मल, तो आपको यहाँ पर आपको सॉफ्ट लाइट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए नीचे का साइड एक आपको कलर का ऑप्शन आता होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसको वाइट कर देना है। ओके, वाइट कर देने के बाद अब आपको क्या करना, अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। तो जैसे कि देख लीजिए मेरे भाई, मैं जैसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा फेस वाइट होना स्टार्ट हो गया। सो मेरे भाई आप भी कुछ इस तरीके से अपने फेस को वाइट कर सकते हैं, बस आपको देखना है किस तरह मैं कर रहा हूँ, वैसे ही सेम टू सेम आपको भी करना है। तो यहाँ से क्या करना है ना मेरे भाई, पूरा अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है इसको, क्योंकि अगर फेस पे अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फेक लगेगा और बेकार लगेगा, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। और मेरे भाई बहुत ज़्यादा फीवर होने के कारण भी आप सबको मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ पर डे एक, तो यार प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते और लाइक कमेंट नहीं करते मेरे भाई तो डीमोटिवेट हो जाते हैं और इससे वीडियो बनाने का मन बिल्कुल ही नहीं करता है मेरे भाई। तो प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट कीजिए बहुत ज़्यादा। सो देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको छोटा साइज मांग रहा है वहाँ आप छोटा साइज दे दीजिएगा, और जहाँ बड़ा साइज मांग रहा है वहाँ बड़ा साइज दे दीजिएगा। यहाँ पर अभी आपको देखिए आपका फेस बहुत ही ज़्यादा फेक टाइप से दिखता होगा, उतना अच्छे तरीके से नहीं दिखता होगा। तो एकदम अच्छे तरीके से दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, और अपने हाथ के ऊपर भी हम चला लेते हैं कि हाथ हमारा ब्लैक ना दिखे। जितना आप आराम आराम से चलाइएगा ना मेरे भाई उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। तो प्लीज़ यार आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग आराम आराम से ये काम कीजिएगा तभी मज़ा आएगा, वरना उतना मज़ा नहीं आएगा अगर आराम से नहीं करेंगे तो, क्योंकि इधर उधर चलेगा मेरे भाई तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आराम आराम से चलाइएगा मेरे भाई, जैसे कि मैं चला रहा हूँ वैसे सेम टू सेम आप भी चलाइएगा। ओके, तो जैसे कि देख लीजिए मेरे भाई मैं यहाँ पे चला लिया हूँ, और यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ओके, टर्न इतना काम हो जाने के बाद देखिए अभी हमारा फेक सा दिख रहा है, मतलब उतना अच्छा नहीं दिख रहा है।
तो इसके लिए क्या करना होगा मेरे भाई, सबसे पहले लेयर के ऊपर क्लिक करना है। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करके इसका ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा इतना पे कम कर देना है, इतना पे देख लीजिए। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, इसका इसका जो है ना, इसका अब फॉलो को क्या करना है, 8% रख के और इधर चला देना है, ठीक है। इससे देखिए हमारा ओरिजिनल दिखने लगेगा, ओरिजिनल टाइप से। डन, इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको क्या करना है, मर्ज कर देना है, ओके। उसके बाद फिर से क्या करना है मेरे भाई, यहाँ लाइब्रेरी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, तीसरे नंबर पे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा, ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना होगा। इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेने के बाद मेरे भाई यहाँ सेटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद क्या करना, फॉलो को 5 रखना है, एस्ट्रेंज को 21% रखना है। उसके बाद मेरे भाई क्या करना, अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि देख लीजिए मेरे भाई, मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम। अगर ऐसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपका भी फेस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो प्लीज़ यार, जैसे कि मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम फॉलो कीजिएगा तो ही होगा, वरना बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमारा, यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। तो मेरे भाई कभी भी आप फेस स्मूथ कीजिएगा ना, कभी भी, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल कर कीजिएगा, क्योंकि टाइम देंगे तभी आपका फेस बहुत ही अच्छे लेवल का बनेगा। तो प्लीज़ यार, आप लोग टाइम निकालिएगा, और फोटो एडिट करना है तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि कोई भी काम है ना मेरे भाई, यार बहुत जल्दी नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके होता है मेरे भाई। आज हम भी जो भी एडिट करते हैं ना मेरे भाई, बहुत मेहनत करने के बाद आज इस तरीके से एडिट कर पाते हैं, वरना मतलब हम भी नहीं कर पाते यार, अगर मेहनत नहीं किए होते तो। तो आप सबको मैं सिखा रहा हूँ मेरे भाई कि आप लोग उतना मेहनत ना करना पड़े आपको, इसलिए मैं आसान आसान स्टेप में आप सबको बताता हूँ। और एक चीज़ इसलिए रिपीट कराता हूँ मेरे भाई कि जब तक कोई चीज़ को एक मतलब कोई भी चीज़ हो मेरे भाई, अगर आप नहीं सीखेंगे ना और आगे बढ़ जाएंगे हम, तो पता चलेगा ना कि आप पीछे का भूल गए और आगे का जानेंगे तो और बेकार होगा, और एडिटिंग करने में मुश्किल होगा आप सभी को, ठीक है ना। तो इसलिए मैं जो भी हूँ, पहले छोटा मोटा जो भी ट्रिक्स है उसको हम सिखा देता हूँ, उसके बाद जो भी होगा भारी मेरे भाई टिप्स, उसको हम सिखाऊंगा, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पर लगभग समथिंग समथिंग हमारा फेस स्मूथ हो चुका है, और पूरा फेस स्मूथ करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर पूरा फेस स्मूथ करने लग गए ना मेरे भाई तो वीडियो इतना ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मत कहिए, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ओके। यहाँ पर देख लीजिए इतना हमारा समथिंग समथिंग हो चुका है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसको डन कर देना है। देखिए हमारा डन हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई हमारा फ़ोटो सेव हो रहा है, तो आप लोग वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी सेव होने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम हम दे लेते हैं मेरे भाई, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले टाइम देना पड़ता है, तो हम भी दे दे रहे हैं। और इस फोटो को सेव करने के बाद मेरे भाई आपको अब डायरेक्ट लाइटरूम एप्लीकेशन में नहीं शेयर करना है, डायरेक्ट आपको कहाँ पर शेयर करना है, तो पिक्सट एप्लीकेशन में शेयर करना है। तो चलिए हम फटाफट से शेयर कर लेते हैं, उससे पहले देख लीजिए मेरे भाई कुछ इस तरीके से हम फोटो को बनाकर दिखाने वाले हैं आप सभी को। तो अभी देखिए हमारा फ़ोटो उतना अच्छा नहीं बना है, ठीक है ना, अभी बहुत ही ज़्यादा बेकार बना है, मैं आप सबको दिखा रहा हूँ अभी जो बना है फ़ोटो। तो यहाँ पर देखिए अभी कुछ इस तरीके से हमारा फ़ोटो बना है, अभी उतना अच्छा नहीं बना है। तो अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस फोटो को डायरेक्ट पिक्सट एप्लीकेशन में ओपन करेंगे। पिक्सट एप्लीकेशन में ओपन कर देने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा, मैं अपना मोबाइल का डाटा ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी सेव करके रखा हूँ पिक्सट में ही जो PNG होगा। तो सबसे पहले टूल्स के ऊपर क्लिक करना होगा मेरे भाई, टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद एडजस्ट के ऊपर क्लिक करना, एडजस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा ना सेचुरेशन का ऑप्शन होगा, इसका सेचुरेशन पूरा कम करके ऊपर के साइड देखिएगा इरेज का ऑप्शन होगा, इरेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड कर देना होगा, उसके बाद यहाँ से क्या कर लीजिएगा ना मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना होगा, देख लीजिए यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वाला ब्रश सेलेक्ट करके आपको जहाँ जहाँ ग्रीन दिख रहा है वहाँ वहाँ चला लेना है, ओके। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको एक लाइट PNG, ये वाला लाइट PNG हर किसी को मेरे भाई फ़ोन में आजकल रहता है, तो इस वाले लाइट PNG को लेकर ब्लेंड करके यहाँ स्किन कर देना है। उसके बाद यहाँ स्क्रॉल करके आना और यहाँ एडजस्ट के ऑप्शन पे आना है, और उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, ह्यू को सिलेक्ट कर लेना होगा मेरे भाई, ह्यू यहाँ पर है, ठीक है ना,
ह्यू को सिलेक्ट करके इसका क्या करना है, इसको ब्लू कलर में पोर्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से डन करके इसको ऊपर के साइड यहाँ से ऐसे रख देना है। उसके बाद इसका डुप्लीकेट बनाना है। डुप्लीकेट बनाने के बाद मेरे भाई इसका ह्यू क्या करना है ना, ऐसे सेम टू सेम इसका ह्यू क्या करना है, छेड़छाड़ करके रेड कलर आपको चाहे तो रख सकते हैं या ये कलर रख सकते हैं, जो कलर आपको बेस्ट लगे वो कलर आप रख सकते हैं। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से इसको डन कर देना होगा आपको। उसके बाद क्या करना है, यहाँ ड्रा वाले ऑप्शन पे आना होगा। ड्रा वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ देखिए थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना होगा और सेव करना होगा। मेरे भाई देखिए अभी फ़ोटो हमारा कुछ उस तरीके से नहीं बना है, अभी बहुत ही ज़्यादा बेकार बना है। देखिए हमारा फ़ोटो कुछ इस तरीके से बनाना है और इस तरीके से अभी नहीं बना है। इस तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा मेरे भाई, आपको यहाँ से ना इस फ़ोटो को डायरेक्ट लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं ना, डायरेक्ट लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा फ़ोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ ऑल फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना होगा। ऑल फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके अपना जो भी फ़ोटो को इंपोर्ट किए थे लाइटरूम एप्लीकेशन में, इस फ़ोटो को ले लीजिएगा। ले लेने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, लाइट के ऊपर क्लिक करना है, एक्सपोजर को बढ़ा देना है, कंट्रास्ट को इतना पर रखना है, शेडो को इतना बढ़ाना है, वाइट और ब्लैक्स को इतना पे रख देना है। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए कलर्स के ऊपर आना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ना तो आपको मिक्स का ऑप्शन आएगा। ओके, मिक्स के ऊपर क्लिक करके आपको क्या करना है मेरे भाई, सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इसका सेचुरेशन कम करना है, लुमिनस को बढ़ा देना है और ह्यू इसका कम करना है। और फर्स्ट वाले कलर को सेलेक्ट करके इसका ह्यू और इसका सेचुरेशन एंड लुमिनस को बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ से डन करना है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ देखिए क्लियरिटी को कम करना है, टेक्स्चर को बढ़ा देना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से इस फोटो को सेव कर देना है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नए एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।